आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। भगवानपुर में भाजपा से पूर्व प्रत्याशी रहे सुबोध राकेश ने भाजपा छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सुबोध राकेश ने गाजियाबाद स्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमशुद्दीन राइन के आवास पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा ज्वाइन कर ली। सुबोध राकेश ने बताया कि क्षेत्र की जनता की काफी दिनों से मांग थी कि वो बसपा ज्वाइन कर ले। विधानसभा ज्वालापुर से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र प्रधान ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इसकी शुरुआत कुतुबपुर से हुई। गांव गांव स्वागत कार्यक्रम रहा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों के साथ गांव गांव में जनसंपर्क किया गया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य को जनता के सामने रखा गया। नहीं, प्रत्याशी तो मैं अभी इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी टाइम है उसमें प्रत्याशी जिसे भी घोषित करेगा संगठन वो अलग चीज़ है। लगातार मेरा संपर्क अभियान चल रहा है, तो आज जो है ये एक तूफानी दौरा कह सकते हैं। लगभग 30 गांव का ही दौरा है आज, तो उसके निमित्त हम लोग निकले हैं आज। कितने गाँव का दौरा किया जाएगा? ये लगभग 30 गाँव का है। अभी आगे कौन कौन से गाँव जाएंगे? अभी हम जाएंगे यहाँ से कोटा जाएंगे, कोटा से फिर हम जब आगे उधर निकल जाएंगे अपना हद्दी वाला इब्राहिमपुर मसई। तो चुनाव नजदीक आते ही दल बदलने का दौर शुरू हो जाता है और उत्तराखंड के ज्वालापुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां विधानसभा ज्वालापुर से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र प्रधान ने जनसंपर्क अभियान चलाया है और इसकी शुरुआत कुतुबपुर से की गई है और गांव गांव जाकर उनका स्वागत भी किया गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों के साथ साथ गांव में जनसंपर्क भी किया गया और केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्य को जनता के सामने रखा गया है। मूलदासपुर में लोगों ने वरिष्ठ समाजसेवी मुनीश सैनी के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में पानी की निकासी की समस्या को लेकर बात की। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि गांव की पानी की निकासी की समस्या 3 दिन में निस्तारण कर दी जाएगी। बड़े भाई है मेरे सुधीर जी, उनसे जो मैंने निवेदन किया था कि हम लोग शाम को घर आ जाते हैं, चाय पीने के लिए आ जाते हैं, तो मुझे तो देखा यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग बैठे हुए थे। उसी उपलक्ष में मेरा यहाँ आना हुआ। एक यहाँ समस्या भी थी कि बहुत टाइम से जो माजरा का एक छोटा सा रोड है 100 मीटर के लगभग, उसी की वजह से यहाँ पानी का भराव बहुत टाइम से चल रहा है। तो उसके लिए मेरे द्वारा निवेदन किया गया माननीय उप जिलाधिकारी जी से, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि 2 से 4 दिन के अंदर इस पानी की निकासी को करा देंगे और उसके बाद जो, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी तरह का कोई विवाद ना हो हमारे किसी भी परिवार में, तो 5 आदमी इधर से हो जाएंगे, 5 आदमी उधर से हो जाएंगे, तो उसी के लिए। तो समस्याओं के बारे में बताया गया है। मूलदासपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं, जितने भी चुनाव के वक्त जनता से कई वादे करते हैं, उसके बाद सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। तो वही मूलदासपुर में लोगों ने वरिष्ठ समाजसेवी मुनीश सैनी के साथ भी एक बैठक करी है, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में पानी की निकासी की समस्या को लेकर बात कही है और वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा है कि गांव की पानी की निकासी की समस्या 3 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। लोगों की जितनी परेशानी है विकास से संबंधित या फिर पानी से संबंधित, निकासी से संबंधित, उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चौबट्टा खाला के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर के पोलिंग बूथ के स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से पंजीकृत मतदाताओं और नए वोटरों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि घर घर जाकर नए मतदाताओं का फॉर्म 6 भरवाकर उनके नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करना सुनिश्चित करें। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिंगवाड़ी की बीएलओ बीरा देवी ने क्षेत्र बड़ा होने की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। तो चुनाव नजदीक है और इससे पहले ही जितने भी वोटर हैं और नए वोटर हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, सबको जागरूक किया जा रहा है मतदान के लिए, और जो नए वोटर हैं जिनके अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनके नाम भी शामिल करवाने, वोटर आईडी बनवाने के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें
कि पौड़ी गढ़वाल से ही एक खबर सामने आई है। पौड़ी गढ़वाल के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चौबट्टा के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर के पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से पंजीकृत मतदाताओं और नए मतदाताओं की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि घर घर जाकर नए मतदाताओं का फॉर्म भरवा कर उनके नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज कराना सुनिश्चित करा जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिंगवाड़ी की बीएलओ बीरा देवी ने क्षेत्र बड़ा होने की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि इस क्षेत्र बड़ा है जिस वजह से इन सब कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र नगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने जनसंवाद सभा और रैली का आयोजन किया, जहां दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंचे। वहीं इस जनसंवाद रैली में क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि 2022 में नरेंद्र नगर विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा और 2007 में विधायक बने और खंडूरी सरकार का हिस्सा रहे। ओम गोपाल ने साफ शब्दों में कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जैसे जैसे 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मैं इस वक्त गजा में हूँ और गजा समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ ठंड है, लेकिन जनसंवाद कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया उससे यहाँ पर गर्मी का माहौल दिखाई दिया है, क्योंकि 2022 के चुनाव के लिए ये जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों का ये कहना है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को जो सबके साथ संवाद स्थापित करे, व्यवहारिक हो, क्षेत्र का विकास कर सके, इसके लिए लोगों को पूछा गया। तो ओम गोपाल रावत ने जब पूछा तो लोगों ने दोनों हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया है। निश्चित तौर पर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इससे ये लगता है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये सरगर्मियां और तेज होती चली जाएंगी। मैं खबर विकास नगर से है, जहां भारतीय अग्रवाल महासभा का अधिवेशन राजस्थान के खाटू श्याम में चल रहा है, जिसमें देश के 27 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व अग्रवाल महासभा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत गर्ग ने किया। इस अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य के विकास नगर निवासी नवनीत गर्ग को अग्र रत्न से सम्मानित किया गया। नवनीत गर्ग को सम्मानित किया गया है विकास नगर से। इस खबर सामने आ रही है, भारतीय अग्रवाल महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अधिवेशन राजस्थान के खाटू श्याम में चल रहा है, जिसमें देश के 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व अग्रवाल महासभा प्रदेश अध्यक्ष नवनीत गर्ग ने किया है और इस अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य के विकास नगर निवासी नवनीत गर्ग को अग्र रत्न से सम्मानित करने की बात भी कही गई है। सितारगंज तहसील को नई मंडी स्थित आवासों में शिफ्ट कर दिया गया था। नए भवन की मांग को लेकर कई बार पत्र लिखे गए। क्षेत्र विधायक गौरव बहुगुड़ा से तहसील कर्मचारियों ने बात की, जिसको लेकर विधायक ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत कराया। वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 करोड़ रुपए नए भवन के लिए स्वीकृत किए। साथ ही विधायक ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुड़ा ने आज तहसील का शुभारंभ किया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।